राधा कृष्ण किचन। आज पिछली बार हमने कॉलीफ्लावर का लगाया था और ये हमारी सेकंड बैच है, प्लांट तैयार हो रहे हैं और ये कुछ ही दिनों में हम लगाने वाले। उससे पहले मिर्च है तो इसे लगाते हैं। तो चलो फिर, मुझे पता है कि आप सब के पास अभी बहुत सारे लोगों के पास खेती नहीं होगी, या खेती है पर उसमें बस चावल लगाते हो, यानी कि राइस की खेती होती होंगी या कोकोनट की, मतलब अलग अलग तरीके से। हमारे जैसी खेती जिसके पास है वो हमें बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, और जिसके पास नहीं है वो आपने खेतों में क्या क्या लगाए वो भी बताना, और जिनको हमारे खेत अच्छे लगते हैं वो भी बताना, सब बताना हम लोगों को। हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, जैसे कि आप हमारी बातें सुनते हो उसी तरीके से हम भी आपकी सारी बातें सुनेंगे। लेकिन मैं पहले जैसे वीडियो में कमेंट्री करती थी ना, क्रिकेट की तरह, क्रिकेट बस देखो और वॉइस सुनो, तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है इसीलिए मैं बाद में वॉइस डालती थी। तो अभी मैं कोशिश करूँगी, हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो काम कर रहे हैं हम उसको वही के वही बात करने की, लेकिन मेरी हिंदी थोड़ी इधर इधर हो जाए ना तो आप संभाल लेना, ओके। मेरी गलती को माफ़ करना और अच्छे लगे तो तारीफ ज़रूर करना। एक बात पूछना चाहती हूँ मैं आपसे कि आपके और किस किस के और बारिश हुई है? हमारे और तो थोड़ी सी बारिश हुई बस, वो भी एक दो बारी, लेकिन मैंने सुना है न्यूज़ में कि बहुत सारी बारिश हुई बहुत सारी जगह पे, कहीं पे तो इतनी ज़्यादा हुई कि नुकसान हो गए बहुत बड़ा। तो आपके पास बारिश होए तो हमें बताना, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके वहाँ पे बारिश हो रही है, तो आप प्रेयर करना कि जल्दी से हमारे इधर भी हो जाए। तो ये मिर्च के पौधे लगाने वाले आज हम, और इसे पानी के साथ ही लगाया जाता है क्योंकि ये पानी बिना पानी के लगाओगे तो ये सूख जाएंगे, इसीलिए आज पानी भी भरना है। तो इसे लगाते हैं खेतों में ताकि हमें साल भर अच्छी घर की ताज़ी फ्रेश मिर्च खाने को मिले। कृष्णा की बोट तो जरा भी नहीं चली, दूसरी बनाओ कृष्णा। होगा जो हमने कॉलीफ्लावर लगाई थी आज उसको पानी भर रहे हैं, और हमारे खेत ऐसे है देख रहे हो आप, पूरे पत्थर पत्थर नजर आते हैं, इसलिए मिट्टी कम पत्थर ज्यादा है, इसीलिए तीन तीन दिन के बाद इसे पानी देना होता है। और अभी बारिश भी नहीं हो रही है तो सूखी सूखी सी लग रही है बिल्कुल भी। मैं बोला था सर तिकड़ो फिर होता है, इधर से बंद करना पड़ेगा और आधा पानी हम उधर से देते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा है ना, इसलिए पूरा वहाँ तक नहीं जाता।
इसीलिए आधे तक ही हम उसे भरते हैं और फिर इधर से बंद करेंगे, फिर दूसरी ओर से पानी भरेंगे इसको। देख रहे हो आप मिट्टी कहीं है नहीं, बिल्कुल पानी ए, पत्थर है इसमें। और ये मैंने गलती से इसको ही बंद कर दिया था, अभी इसको बंद करके रखेंगे। और कृष्णा के साथ अभी पीने में बोर्ड बना है, अभी वो भी छोड़ेंगे पानी में, तो देखिए उसकी तैरती की धूप जाती है। अभी अच्छे से जाएगी, बैलेंस हो गया ना उसका, इसीलिए वो तैर गई। और पत्थर डालने से, पत्थर नहीं डाले तो वो गिर जाती एक साइड से होके। और खेतों में काम करने में सबसे ज़्यादा ये पानी भरने का काम बहुत अच्छा होता है। और इसे एक बार बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करो, कुछ बातें करो, कुछ अपने आप में सोचो और बच्चों के साथ खेलो, उनको छेड़ो, है ना कृष्णा? अभी बीच बीच में बारिश आ जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इससे वो शावर जैसा आता तो ये बहुत अच्छे से आती है। और अभी इसको बस 15 दिन ही हुए और कितनी खिलके आ गई देखो। लेकिन ये पानी भरने का काम ना इसी दिनों में अच्छा लगता है, जब सीजन में पानी भरना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि ये पानी जब अभी मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये, तब ये बहुत ठंडा लगता है बर्फ जैसा। और फिर ये काम करने से हाथ पैर भी खराब होते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बहुत ठंडा लगता है और पानी तो इसको देना ही पड़ता है, लेकिन अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है ना अरी? यदि यहाँ पे मट्टी होती ना तो ये इतने आसानी से दबती नहीं, वो मट्टी बह जाती है पानी में और फिर वो बंद ही नहीं होता। लेकिन ये मट्टी होती है, क्या बोलते हैं इसको, बाड़ू रेती होती है ना, तो ये इससे ये बंद हो जाते हैं, एक ही जगह पे ठहर जाते हैं, वो बहता नहीं है। कृष्णा कितना मट्टी खेलोगे तुम तो? अभी फटका लगाओ कृष्णा, नहीं बाहर निकल कृष्णा, अदिति बस बस।
पानी भरते भरते प्यास भी लगती है जैसे खेत को लगती है हमें भी, लेकिन पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, बस जाओ पानी। और हमने आपको फेनुग्रीक यानी मेथी के सीड्स भी दिखाए थे जो छोटे छोटे उगकर आए थे, तो अभी दिखाएंगे कि वो कितने बड़े हो गए। और चिड़िया की किलबिलाहट आपको सुनाई दे रही है, बहुत अच्छी लगती है मुझे तो, उनका म्यूज़िक ही मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी देखो कैसे उगकर आए हो, बहुत प्यारे प्यारे से लग रहे हैं अभी। और यहाँ पास ही में बावड़ी भी है जिससे पानी भरा जाता है उस सबको। और अभी ये बहुत छोटे छोटे से हो गए, तो अभी दिखाते हैं हम आपको। देखो पूरा खेत बिल्कुल हरा हरा लग रहा है अभी, और बस ये 21 दिन में अभी निकालने को भी आ जाएगी। और चिड़िया की किलबिलाहट देखो बहुत सुंदर से आती है, और सब बहुत हसीन और सब बिजी अपने अपने काम में, किसी को भी फुर्सत नहीं है कि कोई ऐसे घूमे। ये मिर्ची के पौधे लगाने थे पर अभी वहाँ पे पानी उधर भरने का चल रहा है, इधर पानी नहीं आया, इसी वजह से ये सूख ना जाए इसको इसे मिट्टी में गीले में गाड़ देते हैं ताकि वो सूख ना जाए अच्छे से रहे। और जब वहाँ पे पानी आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल के फिर लगाएंगे। जय श्री गणेशा नमः। हम जब भी कोई पौधा या सीड्स लगाते हैं भगवान का नाम लेते हैं और वो बिल्कुल सेफ रहता है बिल्कुल। तो अब इसको यही छोड़ते हैं, बाद में लगाएंगे। फावड़ा टाक लग गए चम्मच दीजिए पानी वो पानी है। जाओ पढ़ाई करो आप कृष्णा और राधे जी दोनों साथ में जाओ। नहीं। आओ नहीं। इसे ये हम खाद डाल रहे हैं जल्दी जल्दी ताकि ये फटाफट से बड़ी हो जाए। और इसको हमने पहले बहुत सारा गोबर डाला है इसमें, आपको तो पता ही है, और लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा सा डाल रहे हैं। और इसे गवर्नमेंट भी परमिशन देता है थोड़ा थोड़ा डालने में, तो ये कोई नीम कोटीन है यूरिया। हमने आपको दिखाया था कि जेसीबी से यहाँ पे नाली की गई थी और वो पत्थर भी लाए थे, तो ये वही वो पत्थर है ये जो लाए थे, तो इसे देखो कितने अच्छे से लगाए गए सब। और अभी ऊपर के खेत का पानी बहुत सुंदर से लगाए और अच्छे भी दिखते हैं जैसे कि बीच में होते हैं, बस बहुत अच्छे लगते हैं। और ऊपर के खेत का पानी अभी हमारे खेत में नहीं आएगा, तो हमारा हमारे खेत का
नुकसान भी नहीं होगा, हमारी फसल ख़राब नहीं होगी, तो इसीलिए ये सब लगाया था। तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। ये इसी सेफ्टी के सहारे लिए करते हैं कि ताकि ऐसे नहीं है कि बस खेतों में ही काम होते, दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं जो दिमाग लगा लगा के करने पड़ते। और अभी देखो ये हो गई पूरी की पूरी। और ये बनवाने के लिए लोगों ने मजदूरी पता है 20,000 रुपये लिए पूरे। और ये भी कोई ज़्यादा जगह नहीं थी, लेकिन पत्थर बहुत भारी होते और तब समर काल भी था तो गर्म भी हो जाते थे, इसी वजह से इसकी मजदूरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन काम भी फिर वैसे ही करते हैं, तो क्या करें, करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ये काम हमारे से नहीं होता यार। हमारे मजदूर जो खेत में आते हैं ना, उनसे भी नहीं होता, इसके ये अलग ही लोग आते हैं जो यहाँ के होते नहीं है, उन्हीं से कराना पड़ता है। वो बहुत अच्छे से करते हैं, फटाफट से भी करते हैं। हम लोग बस खेत में काम करना जानते हैं, हम लोगों को ये पत्थर पत्थर उठाने का काम नहीं आता, तो इसी वजह से उनको ही देना पड़ता है। और अभी हमारे खेतों में बस यही सब काम शुरू है। तो यदि आपको अच्छे लगते हो तो आप ज़रूर बताना कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और ये वही गोभी ये वही कॉलीफ्लावर का खेत है, गोभी का। आज तक तो आपने गोभी पकौड़ा, गोभी मंचूरियन बहुत सारे आइटम्स सुने होंगे जो रेसिपीज़ में आते हैं, लेकिन क्या गोभी के ऐसे हरे भरे खेत में आप कभी बैठे हो, कभी घूमे हो, कभी खुद देखा है? ये बहुत क्यूट क्यूट से होते हैं और इतने जल्दी लहराते हैं कि 2-2.5 महीने में पूरा फसल अच्छे से आती भी है और निकल भी जाती है। और इसको शुरू शुरू में जो लगाता है सबसे स्टार्टिंग में, उसको बहुत अच्छे दाम भी मिलते हैं मार्केट में। और क्योंकि बारिश के बाद तो सब लगाते हैं, लेकिन बारिश से पहले जो लगाते हैं उनका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि तब मार्केट में कोई माल ही नहीं होता, क्योंकि किसी के पास भी ये रेडी नहीं होते ना कि मार्केट में लाने के लिए। बाद में लगाते हैं बारिश आने के बाद, बारिश आने के बाद तो सभी लगाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो दाम गिर जाते हैं, फिर मार्केट में रेट गिर जाता है। तो इसी वजह से जो सबसे पहले लगाता है उसका बहुत अच्छे से पैसे बन जाते हैं। और जो लेकिन हम लोग तो हर बार ही फर्स्ट नंबर लेते, तो इस साल भी हमारा बहुत अच्छे से फर्स्ट ही लिया है। और अभी ये बस इस 22 दिन की है, और अभी आप देखेंगे इसको 15 दिन के बाद ये यहाँ तक हो जाएंगी। यदि बारिश होती तो अभी यहाँ तक आ जाती, लेकिन अभी बारिश नहीं है ना, तो नीचे से बावड़ी का पानी दे रहे तो थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ करता है, लेकिन जब बारिश आती है तो बहुत खिल के आती है, क्योंकि शावर की तरह पूरी जगह पर फैल जाती है ना, इसी वजह से। मैंने बोला था ना कि ये बहुत लंबा है, तो आधा पानी हमने उधर से भरा और आधा अभी इधर से मोटर स्टार्ट किए, अभी इधर से भरेंगे आधी गोभी को और फिर दोनों ओर से वो फुल हो जाएगा। बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, क्योंकि अभी वो उनको स्कूल नहीं है ना, कुछ खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अभी चुप। तो अभी आज हमने पानी भरा, मेथी दिखाई आपको और इसको खाद भी डाल दी फ्लावर्स को। तो यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि हम आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा उसका, इसीलिए।